हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम द मैड बायोलॉजिस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में कि आखिर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं और ये करते क्या हैं और प्लांट्स इनको कैसे सिंथेसाइज करता है। दूसरी बात यह भी पता करेंगे कि कितने टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। जैसे यहाँ मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि टर्पीन्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे टर्पीन्स के बारे में कि टर्पीन्स होते क्या हैं, वो कैसे फॉर्म होते हैं, कौन कौन से बायोसिंथेटिक पाथवे हैं। पर टर्पीन्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं लेक्चर 2 में कंप्लीट करूंगा। लेक्चर 1 में हम सिर्फ टर्पीन्स के बारे में पढ़ेंगे आज, साथ ही साथ ये जानेंगे कि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये बनते कैसे हैं और एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। चलिए अपन फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जानते हैं कि यह प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। मैं एक हाइलाइटर ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर हम बात करें उन कंपाउंड्स की, जैसे मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये जानते हैं क्या होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एक्चुअली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट को जरूरी होता है, वो प्लांट के अंदर होने ही चाहिए। क्यों होने चाहिए? जिससे कि प्लांट सर्वाइव कर सके। ठीक है, मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे केमिकल्स होंगे जिनके बिना प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। प्लांट्स को वो चाहिए ही चाहिए जिंदा रहने के लिए, राइट? फॉर एग्जांपल आपने बात कर ली है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी, बिना एनर्जी के प्लांट जिंदा नहीं रह सकता। क्लोरोफिल, बिना उसके वो जिंदा नहीं रह सकता। ग्रोथ हॉर्मोन्स, उसके बिना प्लांट की ग्रोथ नहीं हो सकती, वो जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं? एक तरीके से प्राइमरी मेटाबोलाइट है। जैसे फिर मैंने लिखा है, इन अदर वर्ड्स, विदाउट दीज कंपाउंड्स प्लांट्स विल नॉट लिव एंड इट विल डाई। हाँ, मतलब इनके बिना प्लांट्स जिंदा तो रह नहीं सकता, ये प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उनकी डेथ हो जाएगी। द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पाथवेज प्लांट के अंदर चलते हैं, उसमें से एक होता है प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे। अब आप कहेंगे कि ये प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, हमने तो आज तक नहीं सुना। प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे यानी एक ऐसा पाथवे जो हमेशा प्लांट के अंदर चलेगा, हमेशा एक लिविंग बॉडी के अंदर चलेगा, जिससे कि वो चीज़ें बने जिससे प्लांट सर्वाइव करे, दोज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया हो, एक ह्यूमन हो, एक प्लांट हो या कोई एनिमल हो, फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, कोई भी हो, उन सब के अंदर ग्लाइकोलाइसिस चलनी है। हमने ये चीज़ पढ़ी है और जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल दोनों में चलेगी एंड इन द साइटोप्लाज्म, ये उसकी लोकेशन होती है। अगर ये चलती है तो पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड बनता है, और वो भी उसके दो दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, हर एक मॉलिक्यूल में तीन कार्बन होता है। ये बनता है तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स में जाता है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, उस कारण एसिटिल को एंजाइम ही बनता है। फिर वो क्रैब साइकिल में जाता है, क्रैब साइकिल में उसको तोड़ते हैं, उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सलो एसिटेट के साथ जोड़ते हैं, वापस से ऑक्सलो एसिटेट बनाते हैं, साथ ही साथ एक जीटीपी बनाते हैं, एनएडीएच बनाते हैं, एनएडीपीएच टू बनाते हैं, एफएडीएच टू भी बनाते हैं, एनएडीएच बनाते हैं, एनएडीएच टू नहीं बनाते हैं, एफएडीएच टू और एनएडीएच बनाते हैं। वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, वो बनते हैं तो सेल काम कर सकता है, रेस्पिरेशन का पार्ट पार्ट है ये, राइट? अगर ये बनेंगे, ग्लाइकोलाइसिस चलेगा तो आगे के स्टेप्स चलेंगी, तो प्लांट जिंदा रहेगा तो एनर्जी मिलेगी। यानी ये एक ऐसा पाथवे हो गया जो प्लांट के अंदर मौजूद होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो जिंदा रहेगा और वो प्राइमरी मेटाबोलाइट बनाएगा। ऐसे पाथवे को प्राइमरी मेटाबोलिक पाथवे बोलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस को भी प्राइमरी मेटाबोलिक पाथवे बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। अब प्राइमरी तो समझ में आ गया, बट सेकेंडरी क्या होता है? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच एक्टिवली सिंथेसाइज इन द सेल। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। ऑर्गेनिक इसीलिए क्योंकि प्लांट ने इनको खुद बनाया है, प्लांट की बॉडी के अंदर ये खुद बने हैं, प्लांट इनको अपनी मदद के लिए बनाता है, इसलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहोगे। और इनका सिंथेसिस एक्टिवली होता है क्योंकि प्लांट को हमेशा इनकी ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि प्लांट को डिफेंसिव केमिकल्स की ज़रूरत है, प्लांट्स को अपना डिफेंस करना पड़ता है। प्लांट्स के पास हाथ या पैर तो है नहीं कि भाई वो कूद कूद के या हाथ पैर मार के
अपने आप को बचाने की। कराटे सीख लिया भाई, जूडो सीख लिया, ताइक्वांडो सीख लिया, तो भाई हथियार मारो और खुद को बचा लो। प्लांट्स ये सब नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट्स कुछ और कर सकते हैं। इमेजिन करिए कि आपके घर के सामने एक पौधा लगा है और आप रोज नोटिस करते हैं कि उस पौधे के आसपास कोई एनिमल आता है, उसको खा लेता है। एक नॉर्मल पौधा लगा है आपके घर के सामने और आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि एक पौधा है, एक गाय आई और उस पौधे को कुछ पत्ते खा के चली गई। दूसरी गाय आई, दो तीन पत्ते उसने खा लिए। तीसरी गाय आई, दो तीन पत्ते उसने खा लिए। अब पौधा तो ये सोचेगा, यार अगर मैंने कुछ स्टेप नहीं उठाया तो मैं एक दिन खत्म हो जाऊंगा, मेरी स्पीशीज खत्म हो जाएगी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा इस वर्ल्ड से, पूरी तरीके से खत्म हो जाऊंगा। तो उस प्लांट ने क्या किया, अपने अंदर कुछ केमिकल्स बनाए। उसने सोचा यार एक प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे है, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस, उसका मैं पाइरूविक एसिड ले लेता हूँ। दूसरा प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे है जैसे कि डार्क रिएक्शन में चलने वाली कैल्वन साइकिल, उसमें से मैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ले लेता हूँ, इन दोनों को कंबाइन कर दें। मतलब दो अलग अलग प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे के इंटरमीडिएट्स को जोड़ दो तो कोई ऐसी चीज बनेगी जिसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इनका काम प्लांट के डिफेंस में होता है। ये सिर्फ प्लांट का डिफेंस करवा सकते हैं, ना कि प्लांट की ग्रोथ करवा। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, प्लस सर्वाइवल। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं है, प्लांट के डिफेंस के लिए जरूरी है। बिना प्राइमरी मेटाबोलाइट के सेल या प्लांट जिंदा नहीं रह सकता, बिना सेकेंडरी मेटाबोलाइट के सेल या प्लांट कुछ टाइम तक जिंदा रह सकता है। ये डिफरेंस है, यानी प्लांट को प्राइमरी तो चाहिए। दीज आर डिफेंसिव केमिकल्स ऑफ द प्लांट विच आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट ड्यू टू कोवोल्यूशन। यानी अब वो प्लांट क्या करेगा जिसको रोज वो गाय खा रही थी, वो अपने अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स बनाएगा कि भाई अगर गाय ने खाया तो उसको कड़वा लगे, या गाय ने खाया तो फॉर एग्जाम्पल अपने ऊपर कांटे बना लिए, तो गाय खाएगी तो कांटे चुभेंगे, तो वो नहीं खाएगी और दूसरे गाय भी उसको देख के नहीं खाएंगी। यानी अपने आप का डिफेंस कर लिया ड्यू टू दिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और जो मैंने बोला कि अलग अलग प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे के इंटरमीडिएट्स को वो जोड़ के कुछ बनाएंगे, एक्चुअली हम उसको कहेंगे म्यूटेशन, कि किसी ना किसी प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे में प्लांट ने म्यूटेशन कर लिया तो उस कारण उसने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाना शुरू किया। इसे कहते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे जिससे वो बनाएगा। और ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन एबसेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल का नीट देना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है नीट पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों ऐसे पॉइंट हैं जो नीट में टारगेट होते हैं। अगर आप लोग बीएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीयू सेट हो गया, या मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं मास्टर्स के एंट्रेंस के लिए, जैसे बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी ये दो पॉइंट्स लग सकते हैं। हाँ अगर आप लोग सीएसआईआर नेट, आईसीएमआर नेट, आईसीएआर, डीबीटी एंड मेनी मोर जो पीएचडी के चलते हैं, उसमें आपसे ये वाला पॉइंट पूछा जाएगा। और आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते, किन किन चीज़ों में उसका रोल नहीं होता। तो मैं डू नॉट को यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन, किन किन चीज़ों में उसका काम नहीं है। पहला जो मैंने बोला, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें कोई काम नहीं है। रेप्लिकेशन में कोई काम नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, इसमें भी कोई काम नहीं है। लिपिड बायोसिंथेसिस हो, कार्बोहाइड्रेट बायोसिंथेसिस हो, या फैटी एसिड बायोसिंथेसिस हो, ये सब क्या है, ये प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे है, तो ये प्लांट को चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए, जरा सोचिए, खुद सोचिए, अगर प्लांट में रेप्लिकेशन नहीं हुआ, प्लांट के किसी सेल में रेप्लिकेशन ही नहीं हुआ, तो डीएनए डेवलप नहीं होगा, सेल डिवीजन के बाद हाफ हो जाएगा, उसके बाद फिर से हाफ, फिर से हाफ, फिर से हाफ, ऐसा होता रहेगा। रेप्लिकेशन जरूरी है करना, तो प्लांट की डेथ हो जाएगी एक टाइम के बाद, यानी इट इज अ प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे। सेम गोज फॉर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड मेनी मोर, ये सारे के सारे प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे हैं, इसलिए इन सब में सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आना होगा तो ये इस पे आएगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किस चीज़ पे रोल प्ले नहीं करते।
अब आप बोलोगे कि यार अगर क्वेश्चन एक ही पे आना है तो इतने सारे क्यों लिखे। रीज़न ये है कि हर एक एग्ज़ाम में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ये फर्स्ट पॉइंट पूछा जाता है इससे, ठीक है। बस आपको ये नाम याद रखने की, अगर वहाँ से क्वेश्चन आया तो आप टिक कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें उनका इंपॉर्टेंट रोल है। पहला जो अपन बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट डिफेंस। ये भाई प्लांट के डिफेंस में काम करते हैं क्योंकि ये डिफेंसिव केमिकल्स हैं। कौन है डिफेंसिव केमिकल्स? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। दूसरा दे हेल्प द प्लांट अगेंस्ट हर्बी बोरी। अब हर्बी बोरी क्या होती है? अगर कोई हर्बी बोर किसी प्लांट को खा रहा है तो उसे हर्बी बोरी बोलेंगे, यानी वो उस ग्रीन प्लांट को किसी एनिमल से खाना जाने में बचाएगा कि भाई कोई एनिमल उसको खाना ले, उससे बचाना, उसे कहते हैं अगेंस्ट हर्बी बोरी, ठीक है। कोई ये ग्रीन प्लांट को कोई एनिमल खा रहा है तो उस एनिमल को आप हर्बीवोर्स बोलते हो। जो वो काम कर रहा है वो हर्बीवोरी है, तो हर्बीवोरी से बचाना उसे। उसके लिए कौन काम करेगा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी उसमें कांटे उग जाएंगे, उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा, उसमें सफ़ेद कलर का लेटेक्स आने लगेगा, जो आपका कौआ का पौधा है कैलोट्रोपस प्रोसेरा में आता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, यानी क्या होगा, प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो गई, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव, इसके फॉर्म में कमी हो गई, तो प्लांट के रूट कुछ कंपाउंड्स बनाएगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उसको सॉइल में छोड़ देगा। उस केमिकल्स के तरफ एक बैक्टीरिया जो राइजोबियम होता है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। आपने बैक्टीरिया को अट्रैक्ट किया, प्लांट ने अट्रैक्ट किया बैक्टीरिया को विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स व्हिच इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। ये कीमोट्रोपिज्म टर्म आप 10th में पढ़ते हो और 12th में भी पढ़ते हो, ठीक है। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प करता है। कैसे करता है हम आगे समझेंगे, जब फिनोलिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब ये पॉइंट क्लियर होगा। अट्रैक्ट इंसेक्ट्स और पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन, कैसे भाई? इंसेक्ट्स या पॉलिनेटर्स तो तब अट्रैक्ट होते हैं जब कोई चीज़ कलरफुल हो, यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे हैं, दीज आर कलरफुल, तभी वो इंसेक्ट और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेंगे फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। अट्रैक्ट इंसेक्ट और एनिमल्स फॉर सीड डिस्पर्सल, कि भाई फ्रूट है बहुत अच्छे कलर का दिख रहा है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो इंसेक्ट और एनिमल्स खाने जाएंगे और सीड डिस्पर्सल करेंगे, ठीक है। फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एंड फॉर ऑल द PhD एंड MSc एंट्रेंसेस सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो तीन टाइप्स होते हैं, टर्पीन्स, फिनोलिक कंपाउंड्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द टर्पीन्स। सिर्फ टर्पीन्स पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल मैं दूसरे वीडियो लेक्चर में दूंगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले टर्पीन्स क्या होते हैं। टर्पीन्स आर द लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तीन टाइप्स थे, तीनों में से सबसे बड़ा सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा है, सबसे वास्ट, वो है टर्पीन्स। टर्पीन्स को हम चाहें तो टर्पेनॉइड्स भी बोल सकते हैं, या चाहें तो आइसोप्रीनॉइड्स भी बोल सकते हैं। आइसोप्रीनॉइड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि टर्पीन्स का जो मोनोमेरिक यूनिट होता है, जो सबसे छोटा सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होता है टर्पीन्स का, वो आइसोप्रीन यूनिट होता है, जो कि एक्चुअली 5 कार्बन का होता है, इसे आप आइसोप्रीनॉइड भी बोल सकते हो, इसलिए टर्पीन्स को आइसोप्रीनॉइड्स बोला है। दूसरा आइसोप्रीन यूनिट को आप चाहो तो आइसोपेंटेनिल पाइरोफॉस्फेट भी बोलते हैं, शॉर्ट में IPP। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टर्पीन्स आर मेड अप ऑफ विच मोनोमेरिक यूनिट, तो आपको मिल सकता है ऑप्शन में आइसोपेंटेल पाइरोफॉस्फेट या IPP या आइसोप्रीन यूनिट या आइसोप्रीनॉइड। दूसरी बात, ऑल दीज नेम्स, जितने भी नाम मैंने बोले सभी में 5 कार्बन है, ठीक है। ये अलग अलग नाम है, एक जैसे ही नहीं है, बस सब के सब 5 कार्बन के हैं। तो याद रखेंगे टर्पीन्स का सबसे छोटा स्ट्रक्चर उसका मोनोमेरिक यूनिट या उसका मोनोमर 5 कार्बन का है, ठीक है। और टर्पीन्स 5 के मल्टीप्लीकेशन में ही आगे बढ़ते हैं, मतलब सबसे छोटा टर्पीन 5 कार्बन का, उससे बड़ा 10 कार्बन का, फिर 15, फिर 20, फिर 30, फिर 40। 25 कार्बन का टर्पीन नहीं होता, 35 कार्बन का टर्पीन नहीं होता, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कम से कम किन किन टर्पीन्स के बारे में, जो 5 कार्बन के हैं, 10 कार्बन के हैं, 15 के हैं, 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। एंड मोर देन 15,000 यूनिट्स भी होते हैं जो रबर एंड गट्टा में मिलते हैं। द बायोसिंथेटिक पाथवे, यार अब टर्पीन से टर्पेनॉइड से आइसोप्रीनॉइड से, इनको बनाने के लिए कौन कौन से बायोसिंथेटिक पाथवे अवेलेबल हैं प्लांट के पास? एक है एसीटेट और मेवलोनिक एसिड पाथवे। हो सकता है जो CSIR NET की तैयारी कर रहे हैं उनको ये नाम सुनते ही क्लिक कर गया होगा,
ये पाथवे साइटोप्लाज्म में चलता है, साथ ही साथ इस पाथवे को कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ई और आना चाहिए था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि एसिटेट और मेवलोनिक एसिड पाथवे कहाँ चलेगा, साइटोप्लाज्म में चलेगा। इसको हम और किस चीज़ में यूज़ करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में, यानी ये दोनों जगह यूज हो रहा है। ठीक है, मिथाइल एरिथ्रिटॉल फॉस्फेट पाथवे, ये कहाँ चलेगा, प्लास्टिड में चलेगा। अब प्लास्टिड यानी ग्रीन प्लास्टिड, अगर ग्रीन प्लास्टिड में चला तो क्लोरोप्लास्ट में चल रहा है, अगर नॉन ग्रीन प्लास्टिड में चला जैसे कि रूट प्लास्टिड या अदर प्लास्टिड, उनके अंदर ही चलता है। ठीक है, लोकेशंस हैं ये, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आ जाता है, कभी कभी इस पे आता है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, टर्पीन्स की क्लास देख लेते हैं, क्लासेस ऑफ टर्पीन्स। अगर बात करें तो हमारे पास छः, यहाँ छः टाइप के दिख रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर टर्पीन्स को डिवाइड किया, जैसे मैंने बोला वो मल्टीप्लिकेशन में है 5 के, तो आप देखें 5, 10, 15, 20, 30, 40, यही मैंने नाम दिए थे, तब तो 5 कार्बन 10 कार्बन ऐसे पढ़ेंगे। क्लासेस ऑफ टर्पीन्स, अगर किसी टर्पीन में 5 कार्बन है तो वो हैनी टर्पीन, उसका एग्जाम्पल है टिजिलिक एसिड। अगर कोई टर्पीन 10 कार्बन का है तो क्लास का नाम हो जाएगा मोनोटर्पीन, सॉरी मोनोटर्पीन, एग्जाम्पल जरानी जरानियोल या मेंथॉल। आपको मेंथॉल याद रखना है बिकॉज इट इज अ साइक्लिक टर्पीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर पीएचडी एंट्रेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15 कार्बन का देखेंगे, 15 कार्बन का जो टर्पीन है तो उसमें है सेस्की टर्पीन, उसका क्लास का नाम है सेस्की टर्पीन, एग्जाम्पल फार्मेसॉल। फार्मेसॉल वाइड स्प्रेड नेचर का होता है, यानी प्लांट के अंदर जो सबसे ज्यादा अमाउंट का टर्पीन मिलता है ना वो है सेस्की टर्पीन, उसका एक एग्जाम्पल क्या है, फार्मेसॉल, यानी प्लांट के अंदर आपको फार्मेसॉल खूब मिलेगा। दूसरा है एब्सेसिक एसिड, नाउ एब्सेसिक एसिड एक ग्रोथ हार्मोन, और आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ग्रोथ हार्मोन आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यानी एब्सेसिक एसिड एक ऐसा प्राइमरी मेटाबोलाइट है जो एक टर्पीन नेचर का है, ये आपको ध्यान रखना है, और उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब यह सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे से ग्रोथ हार्मोन बन के आ रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20 कार्बन का टर्पीन है तो डाई टर्पीन बोलेंगे, एग्जाम्पल फाइटॉल चेन, इसका क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल में फाइटॉल चेन होती है, ये वो चेन है, अगर ये आप क्लोरोफिल से हटा देंगे तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ठीक है, जिबलेरिक एसिड, ये भी ग्रोथ हार्मोन है, ये भी प्राइमरी मेटाबोलाइट है। मैं रेड कलर से सर्कल बना दे रहा हूँ जो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होंगे, जैसे ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ये नाम हम याद रखेंगे। इसलिए फिर 30 कार्बन का टर्पीन है तो दैट इज ट्राई टर्पीन, उसे क्लास का नाम ट्राई टर्पीन। स्टिग्मा स्टेरॉल, रेसिनोस्टेरॉइड, स्क्वालीन, ये सब भी क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एंड स्क्वालीन कैसे नेचर का है, इट इज ऑल्सो साइक्लिक टर्पीन बट साइक्लिक टेट्राटर्पीन। एंड मेंथॉल कैसा था, साइक्लिक मोनोटर्पीन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। 40 कार्बन का टर्पीन है तो दैट इज टेट्राटर्पीन, बीटा कैरोटीन, ये भी प्राइमरी मेटाबोलाइट है। अब देखें हमने क्या देखा, सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे से ही हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, यानी कुछ अलग ही चल रहा है प्लांट बॉडी में। ठीक है, चलिए ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखते हैं। दूसरा एक तरीके से क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे यहाँ पे हेमीटर्पीन है, हमें पता है उसमें 5 कार्बन है, अब उनने बोला कि मोनोटर्पीन है, उनने पूछा मोनोटर्पीन में आईपीपी यूनिट, आईपीपी की कितनी यूनिट्स है, हमें पता है एक टर्पीन में 5 कार्बन होते हैं, यानी एक आईपीपी यूनिट होती है, इन शॉर्ट आईपीपी यूनिट्स हैव 5 कार्बन। तो अगर हेमीटर्पीन में 5 कार्बन है, एक आईपीपी यूनिट है, तो मोनोटर्पीन में कितनी आईपीपी यूनिट्स होंगी, सेस्की टर्पीन में कितनी आईपीपी यूनिट्स होंगी, 20 कार्बन वाले में, 30 कार्बन वाले में, 40 कार्बन वाले में। ठीक है, एक टर्पीन में 5 कार्बन होते हैं और उसको जोड़ के हम आईपीपी यूनिट बोलते हैं, तो हेमी टर्पीन में एक आईपीपी यूनिट और उसके मल्टीप्लिकेशन में चलता है। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि 10, 15, 20, 30, 40 इन सब में कितनी कितनी आईपीपी यूनिट्स अवेलेबल है। मैं 10 का बता देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा, जैसे 10 वाला है तो हमें पता है कि एक एक आईपीपी यूनिट में 5 कार्बन होते हैं, तो भाई 5
इसमें आ गया प्लस 5, 10 हो गया, यानी इसमें दो आईपीपी यूनिट्स हैं। एक आईपीपी यूनिट आई तो एमिडरपीन की आई, एक और आई हेमिडरपीन की आई, दोनों को जोड़ा तो 10 कार्बन हो गए, तो क्या हो गया, दो आईपीपी यूनिट्स। ऐसे आपको सबका कैलकुलेट करना है और आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैं सभी को रिप्लाई दूंगा उस चीज़ के लिए जिसका सबसे सही होगा, देखते हैं आगे से। चलिए नेक्स्ट है बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ टर्पीन्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है एसीटेट और मेवालोनिक एसिड पाथवे। एसीटेट और मेवालोनिक एसिड पाथवे की बात करें, इस पाथवे को कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के लिए भी यूज किया जाता है। ये कहाँ पे चलता है पाथवे, ये चलता है साइटोप्लाज्म में। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाने के लिए प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे के इंटरमीडिएट्स लगते हैं। सी दिस इज एसिटिल कोएंजाइम है, दिस इज आल्सो एसिटिल कोएंजाइम है। कहाँ बनता है ये, कमेंट्स में बताइए कहाँ बनेगा, कौन सी पाथवे से बनेगा। ठीक है, जैसे एसिटिल कोएंजाइम है, चले मैं बता ही देता हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करना है। आपने ग्लाइकोलाइसिस देखा, ग्लाइकोलाइसिस के एंड में पाइरुवेट एसिड बना, पाइरुवेट एसिड गया पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे बनाया गया एसिटिल कोएंजाइम में। ये वहाँ से आया है, ये क्रैब साइकिल में नहीं गया, वहाँ से निकाल के एक जगह डाल दिया गया, वो है एसिटेट और मेवालोनिक एसिड पाथवे। यानी दूसरे प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे के इंटरमीडिएट को उठा के कहीं और डाल रहे हैं, जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए वहाँ भेज रहे हैं, तो कुछ और ही चीज़ बन जाएगी, जो बनेगी वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होगी। तो कैसे बनी, एसिटल कोएंजाइम ए का एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, दोनों को जोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेस तो बनेगा एसिटो एसिटल कोएंजाइम है। इसमें दो कार्बन, इसमें दो कार्बन, दोनों को जोड़ा तो बना चार कार्बन। इसमें फिर से एक और एसिटल कोएंजाइम ए आएगा, इसमें दो कार्बन है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंजाइम एच एम जी कोएंजाइम ए सिंथेस तो बन जाएगा एच एम जी कोएंजाइम ए, जिसमें छः कार्बन होंगे। इसका रिडक्शन करना है तो एच एम जी कोएंजाइम ए रिडक्टेज आएगा और बन जाएगा मेवालोनिक एसिड जिसमें छः कार्बन है। बट हमें तो टर्पीन बनाना था, जो आईपीपी यूनिट है आइसोप्रीन यूनिट है, जैसे पांच कार्बन होते हैं तो एक कार्बन का लॉस करना पड़ेगा। उससे पहले कि ये हो, मेवालोनिक एसिड पे सबसे पहले होगा पायरोफॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज पायरोफॉस्फोराइलेशन, किसी एक ही कार्बन एटम पे दो फॉस्फेट्स लगा देंगे, किसी एक कार्बन एटम पे दो फॉस्फेट्स लगा देना, दैट इज पायरोफॉस्फोराइलेशन, यानी एडिशन ऑफ टू फॉस्फेट ऑन फिफ्थ कार्बन। इसमें छह कार्बन है लेकिन फिफ्थ कार्बन पे हम क्या लगा देंगे, दो फॉस्फेट। नेक्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड स्टेप क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन यानी रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो एक CO2 निकाल दिया, उसमें कार्बन का लॉस हो गया तो छह से पांच कार्बन में कन्वर्ट हो गया। लास्ट डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर, तो कन्वर्ट हो जाएगा आइसोप्रीन यूनिट या आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट या IPP या आइसोप्रीनॉइड। क्लियर, ये है एसीटेट और मेवालोनिक एसिड पाथवे। आई थिंक क्लियर होगा, जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट पाथवे, शॉर्ट में बोलते हैं MEP पाथवे। ठीक है, यहाँ पे है एक प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे डार्क रिएक्शन, दूसरा प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस। डार्क रिएक्शन में एग्जाम्पल लिया है कैल्विन साइकिल का, कैल्विन साइकिल का एक इंटरमीडिएट है ग्लिसरल थ्री फॉस्फो ग्लिसरलडिहाइड, शॉर्ट में लिखते हैं 3-3-PGAL, इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ तीन पागल, याद करने के लिए। और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है पाइरोविक एसिड, सॉरी हमें यहाँ पर पाइरोविक एसिड नहीं लेना है, उसको मैंने गलती से लिख दिया है, हमें इसकी जगह कुछ और लेना है। बेटा सीखे यहाँ पर हम लेंगे फॉस्फो इनॉल पाइरोविक, और स्टार्टिंग में जो मैंने पाइरोविक एसिड वाला एग्जांपल दे दिया उसमें भी आप उसको चेंज करके फॉस्फो पाइरोवेट समझ लेना। ठीक है, तो फॉस्फोनल पाइरोवेट किससे आया, ग्लाइकोलाइसिस से, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट है, हमें इसमें इंटरमीडिएट चाहिए होते इसलिए मैंने चेंज किया वो। तो ग्लाइकोलाइसिस से मिला फॉस्फोनल पाइरोवेट जिसमें भी तीन कार्बन होते हैं, डार्क रिएक्शन के कैल्विन साइकिल से मिला थ्री फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड जिसमें तीन कार्बन होते हैं, दोनों जुड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेस। जब ये जुड़ रहे होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेस तो एक कार्बन का लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO2, तो अगर ये दोनों जुड़ते तो छह कार्बन आता लेकिन एक कार्बन का लॉस हो गया तो क्या होगा, पांच कार्बन आएगा। मतलब ग्लिसरलडिहाइड थ्री फॉस्फेट के तो भाई तीनों के तीनों कार्बन आए, लेकिन फॉस्फोनल पाइरुवेट का एक कार्बन का लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ
CO2, तो वहां से सिर्फ दो कार्बन आएंगे, तो 3 + 2 = 5। तो हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसका नाम है DXP, उसका फुल फॉर्म है 1-DOX-D-Cellulose-5-Phosphate, ये इसका नाम है। फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है, शॉर्ट फॉर्म पर ध्यान दिया जाता है। इसका सबसे पहले होगा रीअरेंजमेंट, फिर होगा रिडक्शन, तो बन जाएगा मिथाइल एरिथ्रिटॉल फॉस्फेट पाथवे, MEP। MEP अपने आप चेंज हो जाता है आइसोप्रीन यूनिट में, IPP, जो कि 5 कार्बन का होता है। ये हमारे दोनों पाथवे हैं। MEP पाथवे चलेगा बेटा प्लास्टिड में, हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था कि कहाँ चलेगा, प्लास्टिड में चलेगा। अगर ग्रीन प्लास्टिड है तो क्लोरोप्लास्ट, नॉन ग्रीन प्लास्टिड है तो रूट प्लास्टिड या अदर प्लास्टिड, ठीक है। लास्ट लास्ट में हम देख रहे हैं पॉलीमराइजेशन, सॉरी पॉलीमराइजेशन इसके बाद हम देख रहे हैं कि IPP क्या है। आइसोपेंटल पाइरोफॉस्फेट, यानी IPP इज अ क्लोज आइसोमर ऑफ डाइमिथाइल पाइरोफॉस्फेट और डाइमिथाइल अलाइल डाइफॉस्फेट, यानी DPP या DMEPP। यानी अगर IPP पे आइसोमरेस काम करेगा तो DPP में कन्वर्ट हो जाएगा। DPP के दो नाम है, डाइमिथाइल पाइरोफॉस्फेट DPP या डाइमिथाइल अलाइल डाइफॉस्फेट DMAPP। तो आप चाहो तो यहाँ पर DMAPP भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी IPP पे ये काम किया तो ये बन जाएंगे आइसोपेंटल पाइरोफॉस्फेट IPP। चाहो तो आप उसी जगह यूज कर सकते हो आइसोप्रीन यूनिट, चाहो तो यूज कर सकते हो आइसोप्रीन यूनिट। तीनों में ही 5 कार्बन है, एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। नाउ लास्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर, पॉलीमराइजेशन ऑफ टर्पीन्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि टर्पीन्स का पॉलीमराइजेशन किस टाइप के कंडेंसेशन से होता है, बोलेंगे हेड एंड टेल कंडेंसेशन। यानी कैसे, हमारे पास एक IPP यूनिट है और एक DPP यूनिट है। IPP यूनिट का सबसे पहला कार्बन है हेड, DPP का सबसे लास्ट कार्बन है टेल। तो भाई IPP का फर्स्ट कार्बन और DPP का लास्ट कार्बन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, इसे कहेंगे हेड टेल कंडेंसेशन। जब हेड टेल कंडेंसेशन होता है तो पानी का लॉस होता है, तो भाई 5 कार्बन इसमें होंगे, ये इसका आइसोमर है तो 5 कार्बन इसमें भी होंगे, तो 5 और 5 जोड़ा तो 10 कार्बन का टर्पीन, यानी मोनोटर्पीन। उसका एग्जाम्पल है जेरानियॉल, तो बना जेरानियॉल पाइरोफॉस्फेट 10 कार्बन का, शॉर्ट पे लिखेंगे GPP। अगर इसमें मैं एक और ITP डाल दूं, यानी 5 कार्बन और डाल दूं, तो ये 15 हो जाएगा, यानी फार्मेसोल पाइरोफॉस्फेट FPP। अगर मैं फार्मेसोल पाइरोफॉस्फेट यानी FPP पे 5 कार्बन और डाल दूं, यानी एक और ITP यूनिट डाल दूं 5 कार्बन का, तो बन जाएगा जेरानियॉल जेरानियॉल पाइरोफॉस्फेट 20 कार्बन, GGPP। चाहो चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि डाइटर्पीन बन जाएगा। अगर इसमें n नंबर ऑफ IPP यूनिट्स जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, पॉलीटर्पीन्स। दिस इज द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ, सॉरी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ टर्पीन्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा मैं उसमें टर्पीन से एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे पायरेथ्रिन या पायरेथ्रम है, इसेंशियल ऑयल्स हैं, फिर उसमें मोनोटर्पीन से कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं जो जिम्नोस्पर्म्स से बनते हैं, फिर उसमें अपन इंसेक्ट रिपेलेंट के बारे में पढ़ेंगे, लिमोनॉइड्स, फिर कार्डिनलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, सेपोनिन्स एंड सेपोजेनिन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपने पास आ जाता है टेक्सोल, फिर उसमें अपने पास है न्यूट्रास्यूटिकल्स, की इनको न्यूट्रास्यूटिकल्स क्यों बोलते हैं, रबर एंड गट्टा, फिर उसमें अपने पास एक दो टर्पीन्स और हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे एक है फाइटोएडेंसिन्स, फाइटोएडेंसिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और जो मैंने इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।